हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी सुबह सुबह लगभग 5:30 बजे हैं और मैं इधर रोड साइड ऐसे मॉर्निंग वॉक पे आया हूँ। देखते हैं आगे आगे चलता हूँ, ऐसे ही धीरे धीरे चलता हूँ, हो सके तो दौड़ूँगा आगे। तो ठीक है, आगे मिलते हैं। पीछे भाई लोग थे वहाँ, उन लोग दौड़ करके आए थे, इसके बाद डंबल वम्बल मार रहे थे, थोड़ा देसी जुगाड़ वाले डंबल मार रहे थे। और मैं तो फिलहाल अभी जा रहा हूँ आगे की ओर, देखता हूँ क्या होता है। लगभग 5:30 बजे हैं और लगभग लगभग उजाला हो ही गया है, हालांकि सनराइज तो नहीं हुआ है, बट फिर भी हल्का उजाला। अपने गांव में एंट्री करने का गेट है ये वाला, ये रोड है। अरे इस साइड भी ये कब्रिस्तान है, वहाँ चर्च है। यहाँ तीनों समाज के तीनों धार्मिक स्थान यहाँ मौजूद हैं। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये वाला कब्रिस्तान है यहाँ पर, ये जो बाउंड्री वाला दिख रही है कब्रिस्तान है यहाँ पर, ये करबला भी कह सकते हैं इसको। और वो वाला देखिए, वो मंदिर है, वाला मंदिर है, वो वाले मंदिर है। और सामने दिखाता हूँ यहाँ से छिप के, देखिए वो सामने जो दिख रहा है ना, वो सामने जो दिख रहा है वहाँ पर, वो चर्च है वहाँ पर। तो तीनों धर्मों के स्थान यहाँ मौजूद हैं। देखिए यहाँ मंदिर है, ये चर्च है और यहाँ पर ये कब्रिस्तान है। तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा तीनों एक साथ यहाँ पर रहने का, सर्वधर्म संभावना की शांति प्रदान करता है ऐसा चीज़। और ये देखिए ये रोड है, ये अपने गांव का अटल चौक है। उस साइड वाला रास्ता जो है वहाँ पर आज रावण दहन होगा, रावण दहन हमेशा वहीं होता है, वो जो वहाँ पर दिख रहा है वो वहाँ पर हमेशा रावण दहन करते हैं। तो इस वाला रास्ता रावण दहन के लिए जाता है, और वो जो रास्ता है अपने गांव की ओर जाता है। तो ये चौक जो है, ये चौक का नाम अटल चौक है, और उस वाले रास्ते से हम दूसरे गांव जाते हैं, दूसरे गांव क्या, दूसरी बस्ती जाती हैं जहाँ पर अपने ही गाँव का जो है लंका नगरी वहीं पर है। तो चलिए मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ की लंका नगरी और तालाब, बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही बड़ा जगह। BSNL का टावर बहुत ही ऊँचा है, पर इसमें नेटवर्क कोई ठिकान नहीं है। कभी रात थोड़ा तालाब है, इसकी मरम्मत नहीं हो रही है, जिसके चलते ये पूरा ख़राब हो गया, बहुत ही गंदा पानी है इसमें। ये अपने गांव की लंका नगरी है, देखिए सामने मैं आगे क्यों जा रही है। पूरी साइड जब रावण दहन होता है उसमें यहाँ पूरा मेला लगता है, बट इस बार कोरोना कोविड की चलते कुछ नहीं लग पा रहा है यहाँ पर। मैं निचले जगह पे हूँ, मैं आपको ऊंचाई पे लेके जाता हूँ, वहाँ पर से दिखाएंगे पूरे। अभी तो रावण वन तैयार नहीं किए हैं शायद, इस बार कुछ उतना खास नहीं करना है ऐसा बोला गया है गवर्नमेंट के हिसाब से। देखिए ये वाली है लंका नगरी, और वहाँ पास रावण को जलाने के लिए ऐसे बनाया जाता है, रावण बनाया जाता है वहाँ पर बनाया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है जब यहाँ पर रावण दहन होता है, तो बहुत ही भीड़ होती है और बहुत ही कुछ अच्छा लगता है, देखने को मिलता है। ये स्कूल अभी बना है, ये दरअसल स्कूल है, कुछ क्वार्टर बना है गवर्नमेंट साइड से। तो दोस्तों वहीं पर रावण दहन होता है, अभी तो फिलहाल रावण को नहीं बना है, आज कुछ बनाएंगे शायद उन लोग। तो बाद में अगर मैं आऊँगा तो एक बार वीडियो दिखा दूँगा आपको, डाल दूँगा वीडियो में, आप चेक कर लेना। तो ये रहा अपना लंका नगरी, और यहाँ के जो ज़मींदार हैं बड़ाई के, वो अपने हिसाब से यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह करते हैं, फिर उन्हीं लोग के द्वारा रावण को जलाया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर अपने गांव में रावण दहन होता है। तो फिलहाल तो मैं अभी यहीं पर हूँ, तो चलता हूँ फिर घर की ओर। बहुत ही अच्छा लगता है जब यहाँ पर रावण दहन होता है। तो अभी तो उतना कुछ खास नहीं हो रहा है कोविड के चलते,
क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से भी शायद इस बार उतना कुछ खास नहीं करना है, तो नहीं तो मैं आपको पूरा दिखाता, क्योंकि ये सामने यहाँ तालाब है, ये सामने तालाब है, यहाँ जंगल है, देखिए यहाँ बांस की पेड़ वगैरह है। ऐसा लगता है कि मैं जंगल में आ गया हूँ, बट ये जंगल नहीं है। देखिए ये तालाब बहुत गंदा है, बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली मैं कल की तरह आज भी वही पॉइंट पे आ गया हूँ जहाँ पर मैं कल आया था, कि यहाँ मैं डेली आता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर, ये जो पानियों की आवाज़ और ये धान की खेती बहुत ही शानदार लगते हैं, बहुत ही गजब का लगता है। ये देखिए मैं आपको पीछे से धान की खेती दिखा रहा हूँ, देखिएगा आप पीछे साइड से, यहाँ एक मेंढक है जो मर गया है, बहुत ही बड़ा मेंढक है। देखिए दोस्तों, ये जो मेंढक है वो मर गया है बेचारा, और पानी के चलते ये फूल गया है, बहुत ही बड़ा हो गया है, इसका जो आकार है बहुत विशाल हो गया है, हद से ज़्यादा। पहले से ही मर गया होगा बट यहाँ पर से पानी के चलते इतना फूल गया है वो, बहुत बड़ी बड़ी धान हो गई है देखिए। मैं कल भी आया था यहाँ पर और आज भी आया हूँ, क्योंकि यहाँ से जो नज़ारा है बहुत ही मज़ा आता है। देखिए उस साइड सनराइज़ होती है और ये धान की खेती है, और जामा गया था वो पॉइंट उस साइड का है, तो बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ आने से बहुत ही अच्छा लगता है गाइज, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा है, चारों साइड खेती खेती, और बीच में इधर मैं बैठा हूँ, और सामने साइड रोड है, और यहाँ पर चिड़ियों की आवाज़ और ये पानी की आवाज़ है, बहुत ही शानदार लगती है। मतलब एकदम हल्का फील, हल्का महसूस होता है यहाँ पर आने से। और यहाँ पर धान की भी जो फसल है बहुत ही ऊंची ऊंची हो गई है, हद से ज़्यादा ऊंची हो गई है, शायद ही इतनी कहीं पर होती है, पर जहाँ पर पानी अच्छी मिलती है ना वहाँ पर थोड़ी ठीक ठाक अच्छी लंबी ऊंची होती है, इसलिए धान भी बहुत अच्छी लग रही है। गाइस फाइनली सनराइज़ हो गई है, देखिए अब वहाँ पर मुन्नी उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, सुबह हो गई, अरे उठ जा उठ जा उठ जा, नहीं गए हैं, उठ जा हेले उठ जा सर, यह इधर देख देख, मैं दौड़ के आ गया तो अभी तक नहीं उठी है, उठ जा उठ जा उठ उठ। आज के लिए बस इतना ही, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए बाय।